अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में हमने सर्किल वाला पोर्शन कंप्लीट किया था इंशाल्लाह इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे अच्छा इन सब शेप से रिलेटेड ना कुछ कॉमन टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशंस अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अच्छा फिर ये है कि अगर सारी इक्वेशन लिखी हुई हों तो आप किस तरह पहचानोगे सर्किल कौन सा है पैराबोला कौन सा है इसी तरह एक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन उसमें कुछ uh, मतलब केसेस uh, होते हैं कि अगर ए जीरो है तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इस टाइप की चीज़ें होती हैं इसी तरह एक टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो ये वो कॉमन टॉपिक है तो ये नहीं समझना कि मैंने पैराबोला या सर्किल अगर दो तीन वीडियो में कंप्लीट करवाया तो ये खत्म इनके आगे अभी एक साथ टॉपिक आएंगे तो वो मैं एक साथ ही करवाऊंगा ताकि कंपैरिजन करने में आप लोगों को आसानी हो अभी वो टॉपिक है जो कॉमन नहीं है जो बेसिक बातें हैं जो आप हर हाँ शेप से शेप के रिलेटेड पढ़ोगे सर्किल से रिलेटेड काफ़ी बातें थी पैराबोला एलेप्स हाइपरबोला से रिलेटेड इतनी कोई इनकी बातें नहीं है हा कॉमन बातें जो होंगी वो हम बाद में देख लेंगे पैराबोला पढ़ने से पहले मैं आपको जो जनरल कॉनिक है ना इसकी डेफिनेशन बता देता हूं जनरल कॉनिक क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट करते हो तो आपके पास डिफरेंट शेप के डिफरेंट शेप्स आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉनिक ठीक है तो जनरल कॉनिक की डेफिनेशन ये होती है जनरल कॉनिक मेरा मतलब पैराबोला एलिप्स कुछ भी हो सकता है वो अकॉनिक क्या होता है इज अ लोकस लोकस मैंने आपको बताया था एक रास्ता होता है अगर एक पॉइंट ट्रेवल कर रहे हैं ना जिस भी रास्ते पर वो ट्रेवल कर रहा है उसको आप बोलोगे पाथ मतलब रास्ता लेकिन अगर वो पॉइंट इस तरीके से ट्रेवल करे कि वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिस कंडीशन को हम अलजबरा में इक्वेशन कहते हैं जैसे एक पॉइंट है इस तरह मूव कर रहा है उसका तो मतलब वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा

डिडेड बाई रेशो की बात की गई है ना उसका डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से हमेशा ही रेशो सेम होगा uh, मैं जरा पैराबोला में आपको समझा देता हूं कि ये पूरा पैराबोला है ठीक है अब इस पर लो लेट कर लो मैंने ये वाला पॉइंट पिक कर लिया इसका डिस्टेंस इस फोकस से डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस इस वाली लाइन से ये हमेशा सेम होगा मतलब इनका रेशो सेम होगा uh, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पैराबोला है ना लेट uh, कर लो ये वाला पूरा डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ये वाला पूरा डिस्टेंस लेट कर लो ये फाइव के बराबर है अच्छा पैराबोला में तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं ठीक है लेकिन मैं एक जर्नलाइज बात करता हूं कंसिडर करो पैराबोला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कोई एक जनरल कर्व बना हुआ है ठीक है तो आपने एक पॉइंट पिक कर लिया उसका डिस्टेंस फोकस से डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस इस लाइन से तो लेट कर लो ये वाला डिस्टेंस जो है ये फाइव के बराबर है और इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस टेन के बराबर है

अच्छा ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम फोकस बोलते हैं और जो फिक्स लाइन है मैं बताऊंगा इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं लेकिन अभी पॉइंट और लाइन ही हम पढ़ते हैं कि इसका डिस्टेंस डिस्टेंस पॉइंट से by, से डिवाइडेड बाय इसका लाइन ये हमेशा सेम होगा अगर आप रेशो बेशक वैल्यूज चेंज है लेकिन एट एंड रेशो अगर आप निकालोगे तो वो सेम ही आ रहा है तो पैराबोला में सेम होगा इसी तरह एलिप्स के अंदर एक ही होगा अगर आप एक एलिप्स बना रहे हो ये नहीं नहींिप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं एलिप्स में अगर आप देखो ना रेशो तो जीरो से लेके वन के दरमियान कहीं भी आ सकता है तो अगर आपने कोई भी एक इलिप्स बनाया है उस एक इलिप्स पे अलर्ट कर लो उस एलिप्स का रेशो जीरो है। तो अगर आप उस पर कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो उसका डिस्टेंस फोकस से डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस लाइन से हमेशा जीरो पॉइंट फाइव के बराबर होगा तो ये एक जनरलाइज डेफिनेशन है कॉर्निक की जो भी कॉर्निक है इस चीज को वो सेटिस्फाई करते हैं उस रेशो को हमने क्या नाम दिया हुआ है उस रेशो को हमने नाम दिया हुआ इस सेंट्रिसिटी तो एक तो एसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने का ये तरीका है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ये मैंने प्रॉपर डेफिनेशन ही लिखी हुई कि अगर आप एक कोई भी पॉइंट पिक करो किसी कॉनिक पे उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फोकस पॉइंट डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इस रेशो को आप क्या बोलते हो इसेंट्रिसिटी बोलते हो ठीक है तो ये तो बात हो गई इसेंट्रिसिटी की और कॉनिक की जनरल डेफिनेशन की यहां पे मैंने बोला है कि वो हमेशा उनका रेशो जो है वो सेम रहता है अब पैराबोला में रेशो अलग होता है एलिप्स में अलग होता है हाइपरबोला में अलग होता है तो कुछ रेंजेस है इनकी इस रेशो की और को हम देख लेते हैं ठीक है आ, इस जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाती है ये जो इस्टिटी की वैल्यूज हैं ये आपको कर्व के बारे में भी बताएंगे जैसे अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी वन के बराबर आ रही है तो ये शो करेगा कि आप पैराबोला की बात कर रहे हो क्योंकि पैराबोला में हमेशा इस पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है तो जब आप रेशो निकालोगे जब सेम चीज का रेशो निकालो तो वो के बराबर आता है ठीक है तो ये बात होगी और बात ये है कि इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है एक तो इसेंट्रिसिटी का मैंने फॉर्मल लिखवा दिया ना फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय फिक्स लाइन का डिस्टेंस एक इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है एक और तरीका यह है कि आप इसेंटिसिटी को इस तरह कंसिडर करो कि इसेंटिसिटी की वैल्यूज़ आपको ये बताएंगी कि कोई भी शेप सर्किल से कितना डेविएट कर रही है इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज आपको ये बताएंगी कि कोई भी शेप जो हम ये चार या तीन शेप डिस्कस कर रहे हैं पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला ये सर्किल से कितना डेविएट कर रही है अब आपको ये बेसिक बात पता है सर्किल के करीब तीन शेप कौन सी है एलिप्स है अगर आपको पता हो एलिप्स काइंड ऑफ सर्किल ही है बस हल्का फुल्का उसके अंदर फर्क होता है ठीक है तो दैट्स अच्छा सर्किल को हमने रेफरेंस पॉइंट बना दिया जब एक रेफरेंस पॉइंट होता है उसको आप जीरो कर देते हो जैसे ओरिजन है ओरिजन के कॉर्डिनेट जीरो कर दिए अब उसके रेफरेंस से जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उसकी आप पोजिशन फाइंड कर रहे होते हो तो सर्किल एक रेफरेंस है क्योंकि सर्किल के हिसाब से आप बताओगे कोई शेप सर्किल से कितना डेविएट कर रही है मतलब सर्किल से कितना अलग है वो इसको आप इस तरह समझ लो तो एलिप्स जो है वो सबसे ज्यादा सर्किल के करीब होता है मतलब एलिप्स को हल्का सा आप अरेंज करो ना वो सर्किल बन जाएगा एलिप्स टाइप का होता है आपने देखा हुआ भी होगा वो काइंड ऑफ ओवल शेप का होता है अच्छा तो अगर सर्किल की सेंट्रिसिटी हमने जीरो रखी हुई है तो देखो एलिप्स जो है वो सर्किल के करीब तरीन है ना दैट्स वाई एलिप्स की इसेंट्रिसिटी जो है वो जीरो और वन के दरमियान होती है अब वो डिपेंड करता है ना एलिप्स जरूरी कि इसी टाइप का एलिप्स बनेगा वो चेंज होता रहता है एलिप्स इस तरह भी बन सकता है अच्छा एलिप्स को थोड़ा आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते क्या कहते हैं कंप्रेस भी कर सकते हो अच्छा एलिप्स इस टाइप का भी बन सकता है थोड़ा तो डिफरेंट टाइप के एलिप्स बन सकता है लेकिन अगर वो एलिप्स है तो उसकी सेंट्रिसिटी इस रेंज के अंदर ही होगी जीरो से बड़ी वन से कम अगर आपने सेंट्रिसिटी वन कर दी अगर आपने सेंट्रिसिटी वन कर दी तो अब आपको क्या शेप मिलेगी पैराबोला मिलेगी और पैराबोला की शेप देखो ना काइंड ऑफ सर्किल से दूर है ये ठीक है दैट्स वाई सेंट्रिसिटी वन आ रही है लेकिन सर्किल से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है यह क्लोज शेप नहीं है लेकिन अगर आप देखो दैट्स वाई इसकी सेंडिसिटी बढ़ती जा रही है एलिप से क्लोज शेप थी सर्किल के करीब तीन थी दैट्स वाई सेंडिसिटी जीरो और वन के दरमियान थी पैराबोला थोड़ा सा डेविएट कर रही है अब उसकी सेंडिसिटी वन है पैराबोला की और अगर आप हाइपरबोला को देखो हाइपरबोला तो इस तरह बनता है मतलब पैराबोला को थोड़ा खोल दो इस तरह बना बनाओ पैराबोला हाइपरबोला को आप इस तरह बनाओगे मतलब हाइपरबोला आपको पता है थोड़ा और खुल गया तो डेविएट कर रहा है तो डेविएट कर रहा होगा इसी उसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी ठीक है रेंज क्या है वन से ग्रेटर होनी चाहिए उसकी और आ, स्ट्रेट लाइन जो है अब ये हमने ना वैसे समझाने के लिए बोला हुआ ठीक है ठेके? असल जो तीन इंसेंटिसिटी है वो इनकी है एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला असल में इस इसकी है समझाने के लिए मैंने सर्किल और लाइन की भी आपको बताई हुई है अगर आप एक लाइन को देखो तो लाइन सर्किल से कौसों दूर है मतलब लाइन और सर्किल का कोई कंपेरिजन ही नहीं है लाइन एक बहुत ही डिफरेंट शेप है सर्किल एक बहुत ही डिफरेंट शेप है तो देखो शुरू में आपका एलिप्स था इसेंटिसिटी थोड़ी ज्यादा थी सर्किल से फिर पैराबोला बन गया इसेंटिसिटी थोड़ी और ज्यादा होगी वन के बराबर होगी फिर हाइपरबोला बन गया इस से ग्रेटर अगर आप इस हाइपरबोला को थोड़ा और ओपन करोगे तो इसका, इस, आ, इसकी और बढ़ती जाएगी अगर आप इस हाइपरबोला को ओपन करके एक स्ट्रेट लाइन बना दो तो आप सोचो इसकी कितनी बड़ी हो जाएगी ठीक है तो उस कितनी बड़ी को मैंने क्या लिखा हुआ है यहां परिटी लिखा हुआ है तो जो एक स्ट्रेट लाइन है उसकी जो है वो बहुत ज्यादा होती है ठीक है अब डेफिनेटली ये फॉर्मले से या कुछ ऐसा आ, नहीं है बस एक कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन जो है वो सर्कल से बहुत डेविएट कर रहा है तो उसकी इसेंट्रिसिटी इस हमने इन्फिनिटी कंसिडर की हुई है infinity मतलब एक बहुत बड़ा नंबर तो मैंने इसेंट्रिसिटी को फॉर्मले से भी डिफाइन कर दिया ठीक है और मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि इसेंट्रिसिटी नेचर इसेंट्रिसिटी किस तरीके से आपको नेचर बताएगी कर्व की ठीक है अब आ जाओ पैराबोला के पोर्शन पे पैराबोला की डेफिनेशन बहुत ईजी है जैसे यहां पे मैंने बोला था ना कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ लाइन एक कॉन्स्टेंट रेशो होता है उसका पैराबोला में वो कॉन्स्टेंट रेशो वन के बराबर होता है पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस ये दोनों सेम होते हैं पैराबोला के अंदर दैट्स अगर आप इनका निकालो वन होता है तो तभी मैंने पैराबोला को डिफाइन किस तरह सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ लाइन ऐसे पॉइंट देखो जब रेशो वन है इसका मतलब दोनों सेम है ना ये वाला डिस्टेंस भी सेम है ये वाला भी same है तो आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो कि जितने भी पॉइंट हैं उनका अगर आप डिस्टेंस फोकस से निकालो अगर उनका डिस्टेंस आप लाइन से निकालो तो हमेशा सेम होगा मतलब वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पे है फोकस से सेम डिस्टेंस पे है इस लाइन से तो सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट ठीक है पैराबोला जितने भी शेप्स है ना पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला इनके हम टेबल पढ़ेंगे मतलब इक्वेशंस होंगे इनके टेबल पढ़ेंगे वो पढ़ने से पहले आपको इन शेप्स की बेसिक बातें पता होनी चाहिए बेसिक पता होनी चाहिए कि ये है क्या सबसे बेसिक बात क्या होती है ये इसको आप बोलते हो एक्सिज ऑफ पैराबोला ये मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया है पैराबोला डिफरेंट अंदाज में बन सकते हैं पैराबोला यूं भी बन सकता है अच्छा इस तरह भी बन सकता है इस तरह भी बन सकता है और पैराबोला को तोड़ के आप यहां पे ही बना सकते हो डिफरेंट शेप्स होंगे हम बाद कर रहे है। तो ये हो गया एक्सेस पैराबोला दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट के जो फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हो अच्छा फोकस का मतलब फोकस का नाम आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इसको फोकस क्यों कहते हैं कि जो हमारी डिश होती है आजकल के जमाने में तो आपको इतनी नज़र नहीं आएगी जब मैं बचपन में था तो हम डिश यूज़ किया करते थे केबल के लिए वो कैच करने के लिए चैनल हमारे पास आते थे तो अगर उसको देखो तो वो भी एक पैराबोलिक शेप होती है तो होता ये कि अगर आप कोई भी आ, लेट कर लो एक लाइट आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करवाओ मतलब लाइट आप इसके ऊपर फेंको अगर लाइन जो लाइट है वो बिल्कुल पैरल होगी एक्स एक्सिस के मतलब अगर एक लाइट रे आ रही है इस तरीके से बिल्कुल पैरल टू एक्स एक्सिस एक मतलब जो इसका एक्सिस है ना पैराबोला का इसके पैरल अगर कोई लाइट आ रही है तो वो जैसी इससे टकराएगी ना पैराबोला से तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे कोई भी लाइन है लाइन इस तरह आ रही है रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर इधर आ रही है रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसके ऊपर दैट्स इसको फोकस बोल रहे होते हैं कि जितनी लाइट रेज है रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ जाती है ठीक है अच्छा जी ये हो गया फोकस ये जो फिक्स लाइन है इस फिक्स लाइन को हम क्या बोलते है? हैं डायरेक्ट्रिक्स ये कॉमन चीजें हैं फोकस एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स हर शेप में आपको नजर आएगा इलेप हाइपरबोला में भी ये कॉन्सेप्ट है तो जो फिक्स लाइन है इसको आपने क्या बोल दिया डायरेक्ट्रिक्स उसके बाद आ, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला का आ, वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर जो एक्सिस के ऊपर है जैसे ये पूरा पैराबोला बनाया है इस पैराबोला पे अभी तक आप कोई भी पॉइंट पिक करो एक्सिस है ना ये है और पैराबोला ऊपर है करते करते इस पैराबोला जिस पॉइंट पे अपने एक्सिस से मिलता है अभी पैराबोला अपने एक्सिस से नहीं मिल रहा ये वो पॉइंट है जिसपे पैराबोला अपने एक्सिस से मिल जाता है तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ओरिजिन uh, पे हमने लिया हुआ जीरो कॉमा जीरो पे अच्छा जी uh, उसके बाद uh, ये तो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई क्ल्ट टू जीरो वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्ल टू जीरो हम आप कुछ डेरिवेशन uh, जब इसकी इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हम कुछ लेट करते हैं वो लेट ये है कि आप इतना पूरा डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस जो है इसको आप लेट कर लोगे ए के बराबर मतलब वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या है ए के बराबर तो फोकस जो है जिसको मैंने एस से शो किया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए कॉमा जीरो कि एक्स डिस्टेंस जो है वो ए ओरिजिन है, है ना वर्टेक्स जो है वो यहां ऊपर है तो ये पूरा है और ये point X के ऊपर है, that's why इसकी y value 0 है। इसकी तो अगर ये वाली पूरी चीज ए है तो ये वाली पूरी चीज भी क्या होगी ए के बराबर होगी क्यों इसलिए कि आपने पढ़ा था पैराबोला में अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करो उसका डिस्टेंस फोकस से उसका डिस्टेंस लाइन से वो हमेशा सेम रहता है तो इसी तरह ये जो पॉइंट है ये भी तो पैराबोला के ऊपर है ना ये पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर है तो इसका डिस्टेंस अगर फोकस से ए है तो इसका डिस्टेंस लाइन से भी क्या होगा ए होगा तभी आप रेशियो निकालोगे तो वो किसके वन आ, आ जाएगा तो पैराबोला में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और लाइन से हमेशा सेम होता है तो अगर ये मैंने डिस्टेंस ए लेट किया है ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगर मैं इस लाइन की डायरेक्टिस की इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा ये लाइन सबसे पहली बात पैरल टू वाई एक्सिस है जो भी लाइन पैरल होती है उसकी इक्वेशन में एक्स आता है एक्स के बाद आप वो चीज लिखोगे कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है ये लाइन इधर है मतलब ये वाला पूरा डिस्टेंस ये होगा ठीक है अब ये वाला डिस्टेंस तो ए है लेकिन वाई एक्सिस के लेफ्ट की तरफ है दैट्स वाई आप क्या लोगे यहाँ पे नेगेटिव ए लोगे डिस्टेंस तो वाई एक्सिस और इस लाइन के दरमियान ए है लेकिन वो वाई एक्सिस के लेफ्ट पे है तो आपने नेगेटिव लिया अगर राइट पे होता तो आप यहां पे पॉजिटिवली रहते हैं एक्स इक्वल टू माइनस है माइनस एक उधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो तो यहां से आपके पास जो डायरेक्टर्स है उसकी इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद आ, आपको पता है सर्किल में भी हमने पढ़ा था कॉर्ड कॉर्ड हमने पढ़ा था कॉर्ड मैंने बताया था ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व के दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करती है उसको आप कॉर्ड बोलते हो इसी तरह पैराबोला पे भी आप कॉर्ड बना सकते हो अभी मैं एक सिंपल कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैंने एक पॉइंट पिक किया ये वाला मैंने एक पॉइंट पिक किया ये वाला इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा कॉर्ड हो जाएगा एक और टर्मिनोलॉजी यहां पे जिसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड कॉर्ड होता है कि जो दो पॉइंट को ज्वाइन करें फोकल कॉर्ड क्या होता है फोकल कॉर्ड ऐसा कॉर्ड होता है जो फोकस से पास करता है अगर देखो ये एक पॉइंट पैराबोला के ऊपर है ये एक पॉइंट पैराबोला के ऊपर है इसको एक लाइन ने ज्वाइन किया है इसको आप कॉर्ड बोलोगे लेकिन ये वाला कॉर्ड जो है ये देखो फोकस से पास कर रहा है तो पैराबोला के अंदर या इलिप्स के अंदर या हाइपरबोला के अंदर ऐसा जो फोकस है पास कर रहा है, उसको आप क्या बोलोगे फोकल कॉर्ड यहां पे मैंने लिखा है ये P से लेके N तक ये जो पूरी लाइन है ना इसको मैंने क्या लिखा है फोकल कॉर्ड उसके बाद होता है फोकल डिस्टेंस नहीं, फोकल डिस्टेंस को गोली मारो सबसे पहले आपने कॉर्ड पढ़ा अगर वो कॉर्ड फोकस से पास करे तो आपने बोल दिया कि वो फोकल कॉर्ड है और ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो क्या बोला मैंने ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस अच्छा वर्ड नहीं है पैराबोला के एक्सिस क्योंकि अगर वो पैरल वाला केस है तो उसमें तो एक्स एक्सिस नीचे होगा अगर फोकल कॉर्ड मतलब ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा है वो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे तो उस फोकल कॉर्ड को आप क्या बोलते हो लेटस रेक्टम अगर आप इस वाली लाइन को देखो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है ये वाली लाइन जो है ये पैराबोला के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है इसका मतलब ये कॉर्ड है फोकस से पास कर रही है इसका मतलब फोकल कॉर्ड है और अगर आप देखो ये एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री बना रही है तो ऐसा फोकल कॉर्ड जो 90 डिग्री बनाए अब उसको आप क्या बोलोगे लेटेस्ट रेक्टम तो ये जो पूरी लाइन है इसको आप बोलते हो लेटस्ट रेक्टम अच्छा जी मेरे ख्याल में काफी मैंने सब बता दिए अच्छा एक चीज रहेगी फोकल डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होता है कि आप पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पिक करो उसका डिस्टेंस फोकस से उसको आप फोकल डिस्टेंस कहोगे okay? और डेफिनेटली ये वेरिएबल होगा ये फिक्स नहीं होगा कि यहां पे अगर आप ये वाला पॉइंट पिक करो इसका फोकल डिस्टेंस क्या है ये पूरा मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से ये पूरा फोकल डिस्टेंस है अगर आप ये वाला पॉइंट पिक करो इसका फोकल डिस्टेंस ये छोटा सा है ठीक है बहरहाल इसको आप क्या बोलते हो फोकल डिस्टेंस कि पैराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट उसका डिस्टेंस फोकस से तो वो फोकल डिस्टेंस हो जाएगा तो यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है मैंने सबको एक्सप्लेन कर दी है इक्वेशन भी मैंने डायरेक्टिस की बता दी है फोकस से कोऑर्डिनेट भी बता दिए हैं अच्छा अभी अगर आप देखो पैराबोला का जो एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन भी क्या हो जाएगी Y -0 हो जाएगी क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है वो और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे लेटेस्ट एक्टम की इक्वेशन क्या होगी बताऊंगा उसमें भी समझाऊंगा लेकिन देख लो अभी जो एक्टम है, इसकी इक्वेशन क्या होगी गौर से देखो ये लेटेस्ट एक्टम जो है, ये है। इसकी में क्या आएगा एक्स आएगा वाई एक्स से कितना दूर है ये जो लेटेस्ट एक्टम है ये वाई एक्स से इतना दूर है मतलब ए यूनिट के फासले पे है तो यहां पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा अब राइट की तरफ है दैट्स व्हाई मैंने ए जो है उसको पॉजिटिव लिखा है तो अगर आप देखो यहां पे लेटेस्ट एक्टम की इक्वेशन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 एक और चीज लेटेस्ट एक्टम की लेंथ भी मैटर करती है यहां पे लेंथ कैसे निकालोगे मैं कुछ चीजें यहां पे मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो मैं बताना चाह रहा हूं देखो सी ये होता है आपने ये जो पूरा लेटेस्ट एक्टम है ना इसकी लेंथ फाइंड करनी है कैसे फाइंड करोगे अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला डिस्टेंस कितना है तो आप लोगों का जवाब होगा टू ए इतना सा डिस्टेंस आपने ए के बराबर लेट किया था मैंने बताया था अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये वाला डिस्टेंस भी ए के बराबर होगा तो अगर आप पूरा डिस्टेंस निकालो तो ये बराबर है टू ए के ये पूरा डिस्टेंस जो है किसके बराबर है टू ए अब वही बात है पैराबोला है ना ये तो अगर इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस टू ए है तो इस पॉइंट से लेके इस फोकस तक का डिस्टेंस भी क्या होगा टू ए होगा वरना जब रेशो निकालोगे तो वन के बराबर तो आएगा ही नहीं आपने पढ़ा था पैराबोला में कोई भी पॉइंट पिक करो वो इक्वल डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से तो अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से टू ए है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से भी क्या होगा ये जो पूरी लाइन है ये डिस्टेंस भी क्या होगा टू ए के बराबर हो जाएगा तो लेटेस्ट एक्टम का जो हाफ है ये कितना है टू ए के बराबर है ये भी टू ए होगा और ये डिस्टेंस भी टू ए होगा तो टोटल तो अगर आप पूरे लेटेस्ट एक्टम की लेंथ निकालो तो वो फोर ए के बराबर होती है जो मैंने नीचे मैंशन किया हुआ ए बी मैंने इसलिए लिखा है कि ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो यहां पे डिस्टेंस के लिए हम मॉडल लगा देते हैं फोर ए के बराबर है और ए जो है हमने यहां पे पॉजिटिव रखना है ठीक है तो पॉजिटिव ही होगा ए फोर ए आपके पास डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा अब आखिरी चीज़ है लेटेस्ट एक्टम के कॉर्डीनेट्स एंड पॉइंट जो है ये भी काम आते हैं एंड पॉइंट निकालना मुश्किल नहीं है बाप के लिए अगर आप ये जो ए पॉइंट है इसके कॉर्डिनेट निकालना चाहो तो इसका एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा कि वाई एक्सिस से कितना दूर है ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट है तो ये वाई एक्सिस से ए यूनिट फासले पे है तो इस पॉइंट का अगर आप एक्स कॉर्डिनेट निकालो तो वो ए के बराबर हो जाएगा वाई कॉर्डिनेट कैसे आता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है ठीक है तो आपने अभी देखा ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर था टू ए के बराबर था तो इसकी वाई वैल्यू क्या हो जाएगी टू ए हो जाएगी अगर दूसरा एंड पॉइंट निकालो तो अभी भी एक्स डिस्टेंस तो ए ही रहेगा ना ये पॉइंट वाई एक्सिस से ए एक यूनिट के फासले पे लेकिन अब इसका वाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है तो वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस टू ए तो उसके दो एंड पॉइंट यहां से आ गए बाकी अब हम इसका टेबल जब पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को डिफरेंट केसेस भी बताऊंगा ये डायग्राम मैंने डिटेल में समझा दी है

अगर पैराबोला ऊपर नीचे हो गया तो उसको मैं दोबारा समझा दूंगा वो होगा चार पांच के छह केसेस पड़ेंगे ना उसमें डिफरेंट जगह पे होगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा थ्योरम जल्दी से कवर कर लेते हैं उसके बाद फिर हम एक टेबल पढ़ेंगे थ्योरम बहुत इजी है सबसे पहली बात लिखी हुई है द पॉइंट ऑन पैराबोला क्लोजेस्ट टू फोकस इज द वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर ऐसा पॉइंट जो फोकस है सबसे करीब तरीन है वो वर्टेक्स है दिखने में भी लग रहा है

तो सबसे करीब तरीन पॉइंट पैराबोला के ऊपर फोकस है वो क्या होता है वर्टेक्स होता है बाकी पैराबोला पे कोई भी पॉइंट पिक कर लो वो हमेशा फोकस से दूर होता है वर्टेक्स जो है वो करीब तरीन पॉइंट है